गजरेला आ गया भाई साहब। अभी एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने एलईडी डलवाई है। सही है जी। मैं क्या बल्ले बल्ले, आज फिर सारे करिए शुरुआत शाम वाले व्लॉग की। अब एक्चुअली क्या हुआ ना, गजब हो गया। एक्चुअली मैं फोन से अपलोड कर रहा था तो उसमें एक मेरा व्लॉग उड़ गया। कैसे उड़ा वो मैं बताता हूँ। नेचुरली क्या है, छुट्टियाँ वगैरह थी ना काफ़ी, सो इसके अंदर मैं रेंडर करते 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 मेरे को लगा रेंडर हो गया, वो रेंडर हुआ नहीं और मतलब समझ गया ना, उसको ओवरराइट कर दिया गया और रॉ डाटा वो भी डिलीट कर दिया गया। मतलब गजब हो गया। मैंने रिसाइकल बिन भी देखा, रिसाइकल बिन भी नहीं मिला फ़ोन के, समझ गया ना, तो हो गया काम उसका। तो वो 184 नंबर व्लॉग है, वो 184 नंबर व्लॉग नहीं आएगा। बट उसकी जगह पे पता है क्या, मैं ऑलरेडी लाइक उसके बाद मैं अब चेंज नहीं कर सकता। वो चेंज क्यों नहीं कर सकता, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या, 6 व्लॉग में उसके बाद और मैं मतलब बना के और अपलोड कर चुका हूँ, और उनका जो आता ना नंबर, व्लॉग नंबर, वो व्लॉग के मतलब उसका बैकअप डाटा भी मैं उड़ा चुका हूँ, तो समझ रहे हो ना। तो 6 व्लॉग का मतलब रिकवर करना इजी नहीं है। तो ये एक गड़बड़ हो गई है। अब देखो ये गड़बड़ हुई है जाने अनजाने में, बट मैं देखो जैसा भी है जो भी मैं बता देता हूँ कि ये गड़बड़ हो गई। अब उसमें ये ना हो कि जो 730 वाला है वो ऐसे कहें कि भैया आपने बीच में व्लॉग छोड़े और काटे और ये इस करके वो चैलेंज वगैरह, ये आपका तो फेक है। नहीं, ये चैलेंज फेक नहीं है, चैलेंज तो वैसा ही है। इनफैक्ट 730 से तो मेरे ऊपर ही हो जाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी देखो जैसा भी है जो भी है होता जाएगा, अपन दिखाते जाएंगे। और अभी करंटली तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम जा रहे हैं 28 में कार लाइफ पे। और वहाँ पे एक्चुअली क्या है, कल वहाँ से मैंने जो एलईडी डलवाई थी वाइट, उसके बीच में ना थोड़े ब्लैक ब्लैक के हल्के हल्के स्पॉट आ रहे हैं, और मेरे को लो एंड हाई बीम वो ना मतलब मेरे को मतलब बराबर सा वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब उसमें ना ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा लो एंड हाई बीम में। वो मैं आपको आगे जाके करके भी दिखाऊंगा, तो वो एक बार मैं सेटिंग वगैरह करवाऊंगा। दिन में तो वहाँ पे वही है ना, दिन में पता नहीं लगता, रात के टाइम ही पता लगता है जब वो यूज़ होती है लाइट, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो वही चीज़ है, अभी जाके वहाँ पे चेक करवाएंगे और उसकी सेटिंग वगैरह जो होगी वो उसमें सेटिंग एक्चुअली बेसिकली क्या सेटिंग ही होती है, तो सेटिंग एक बार वो हो जाएगी फिर एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और पिछली वाली से तो देखो बहुत सही है लाइट, पिछली वाली में तो लाइक लाइट कुछ था ही नहीं, पर इसमें ना लाइट सही है। और कहीं ना कहीं आप जिस तरह ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो ट्रैवल करते हुए हमारा तो जिस तरह अदर स्टेट्स का भी होता है ट्रैवल शूट वगैरह के चक्कर में, तो उसमें फिर अपने को ना ये थोड़ा मतलब बेनिफिशियल रहती है वाली चीज़। और जो पंडित जी की जो नई गाड़ी आई है उसमें भी शायद ऊपर वाली है, मतलब 55 वॉट थी इसमें बेसिकली, उसमें शायद 75 वॉट समथिंग है शायद उसमें, और कहने कहने को 55 वॉट होती है जिस तरह, वो आपने देखा भी था उसमें कहीं ना कहीं वो कम होती है, वो होती है कम होती है ज़्यादा होती है वो पता नहीं, बट उनके पास एक मीटर था, मीटर में उसमें ना वोल्टेज वगैरह दिखा रखे थे कि वोल्टेज इतना दिखा रहा है ये अभी करंटली। सो अभी तो 28 में जाएंगे। और एक चीज, बेस्ट चीज पता है क्या है, गजरेला आ गया भाई साहब। सो गजरेला आ चुका है घर पे, ठीक है। अभी बस हम जाएंगे और हमला कर देंगे, इतनी ठंड हो रखी है, ठीक है। और गजरेला खाने का भी बड़ा मन था, अब मेरा बीच में मन किया, मैं क्या वो गए थे अभी वहां पे जब बच्चों की डिम्पी दीदी आई थी, मैं क्या उस टाइम खा लेंगे, बट वो लेट हो रहे थे तो फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद बीच में मेरा एक और बार मन किया बट वो भी हमने फिर कैंसिल कर दिया। और अभी फिर मैंने मतलब आ ही गया, मतलब जिस चीज़ को आप चाहो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से वो मिली जाती है। और ये मम्मी जी ने भेजा है रोहतक से, थैंक यू मम्मी जी, मैं थैंक यू मम्मी को क्या, तो क्या ही करना, बट चलो अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चों ने और वाइफ ने तो पूरा धमाल किया होगा। और एक चीज़ और मेरी याद आई, वो चीज़ क्या है, लाइक मैं बता ही रहा था ना कि वो जो मैं कहा था कि मैं अगर वाइफ को बताऊँगा तो वाइफ बोलेगी कि क्या बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पर ही गए, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे ऊपर ही जाएंगे, तुम्हारे जैसे ही डायलॉग बोलेंगे। अब वो आपने नहीं पता कौन सी क्या कब कुछ बात है, तो इसे पीछे वाला ब्लॉग देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। लाइक पूरे मेरे एक सीक्वेंसिंग चलती है ना मेरी मेमोरीज की, ठीक है। सो वो सीक्वेंसिंग आपस में इंटरलिंक्ड रहती है, एंड कहीं ना कहीं मैं जो लास्ट ब्लॉग छोड़ा होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप होता है वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक सीक्वेंसिंग बैठ जाए, ठीक है। सो वो अभी मैंने एक रिसेंटली शुरू किया, 3-4 ब्लॉग से ही वो मतलब आना चालू हुआ है। अभी तो वैसे आप ये लगा के चलो आज तारीख है 9, सो आपको ये वाला 9 वाला ब्लॉग तो मेरे ख्याल से 10-11 के आसपास मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी
6 के आसपास शायद व्लॉग अपलोडेड हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक दिन में तीन, तो एक दिन में तीन मतलब दो दिन तो वैसे ही हो गए, तो 9 वाला मतलब 11 के आसपास आएगा व्लॉग, और तब तक पता नहीं कितने व्लॉग और बन जाएंगे। तो व्लॉग बोले तो अपनी मेमोरीज, ठीक है, समझ जाओ और बस पता नहीं लग रहा लाइफ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, एकदम से धमाकेदार सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लाइक अमाउंट था वो रिक्वेस्ट किया था कहीं से, वो कैंसिल हो गया ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न। अब उसके लिए लाइक हमने बैंक को फिर किया है, और वो कुछ आएगा, चेकबुक वगैरह का कुछ इशू वगैरह है तो वो आएगा, तो फिर उसके बाद शायद हम प्रोसीडिंग करेंगे, बिकॉज़ एक बार थोड़ा हल्का हल्का हो जाएगा ना हाथ, फिर अभी क्या है थोड़ा थोड़ा भारी भारी है। वैसे देखो टेंशन तो कोई नहीं है, टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब होम आया है, क्या होगा अगर ये इस महीने नहीं हो पाया अगले महीने दे देंगे, समझ आ गए ना, क्या होगा थोड़ा वो हो जाएगा, इंटरेस्ट पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगली बार फिर आ जाएगा। लाइक दिमाग पे खोपड़े पे बोझा नहीं डालना, क्या हो जाएगा गोली चल जाएगी ना, गोली भी चल जाए तो क्या, क्या बंदा खत्म हो जाएगा, हो जाने दे, फिर क्या सबसे ऊपर क्या डेथ है ना, डेथ से ऊपर तो कुछ नहीं है, हैं सबसे डरता कौन है लोग, उसी से डरता ना कि डेथ है डेथ डेथ। अब भैया डेथ से ही जब डर ना लगे तो क्या करें, हैं। अब कहते हैं लोग क्या व्लॉग ना करो, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या होगा, मर जाएगा, नहीं मर गया तो क्या है, नहीं मरा तो हाथ पर लंगड़ा पंगड़ा ये हो जाएगा, फिर क्या हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इस चीज़ से, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मेरे साथ हो जाए गलत, वैसे भी हो ही चुका है बहुत सारा गलत, तो उसमें मेरे को कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक एक बेफिक्रा टाइप होता ना, बट अपने उसमें ना अपने मस्त मौजी ज़िंदगी में जीता है, मस्त मौजी ज़िंदगी मतलब आपस में अपनी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। हाँ वही है, कुछ लोग हैं जो परेशान किया जिन्होंने, ठीक है, बट उनके पसीने छूट रहे हैं। हाँ मैं नाम तो क्या ही लेना है, सबको पता ही है कौन है कौन नहीं है, तो उनके पसीने छूट रहे हैं अब, क्योंकि मैं बात करता हूँ बिल्कुल टेक्निकल, हवा में बात नहीं मारता ना कोई तीर मारता हूँ इधर उधर, क्योंकि वो तीर है ना जो भी उड़ाते हैं ना वो तीर खुद ही लग जाते हैं, तो मैं वो बंदा नहीं हूँ कि तीर मेरे भैया खुद लग जाए, ठीक है। बात करो ढंग की, जहाँ पे गलती हो सॉरी भी बोलता हूँ, बोलोगे तो पैर भी पकड़ लेता हूँ, ऐसा मेरे को कोई वो शर्म नहीं है, बट जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे मैं सही हूँ, और सही का मतलब सही, ठीक है। ओ भाई गॉड, 4 मिनट हो गए भैया कंटिन्यूसली व्लॉग करते हैं, आज तो अलग ही मूड पे चला गया, तो थोड़ा पॉज करता हूँ। वैसे मैंने खा लिया है एप्पल वगैरह, शायद एप्पल खाने से एलर्जी है पता नहीं, या तो गाने सुनने से पता नहीं, या तो शायद वूफर, शायद हाँ वूफर, भैया वूफर मिल गया शायद इस वजह से एनर्जी आई, फिर से अपना वही वाला रंगमंच शुरू हो गया, और 28 सेक्टर में अभी जा रही चंडीगढ़ में। एक चीज़ और पता है क्या है, वो चीज़ ये है कि अभी जिस तरह इतने सारे व्लॉग हो जाते हैं ना, फिर उसकी सीक्वेंसिंग डालने में कन्फ्यूज़ होता हूँ, फिर सीरियल नंबर चेक करने पड़ते हैं किसका व्लॉग नंबर क्या है, व्लॉग नंबर क्या, बड़ा कन्फ्यूजन होता है यार। फिर मेरे को ध्यान में आता है कि एक और है यूट्यूब वाला, एक और एप्लीकेशन है, ठीक है, तो नॉर्मल यूट्यूब है, एक यूट्यूब एप्लीकेशन है वो अलग से है, तो उसमें मैं खोल के देखता हूँ, फिर उसमें याद आता अच्छा ये करना अब ये करना, तो वहाँ पे है शेड्यूल्ड करके और प्राइवेट करके लगाया, क्योंकि प्राइवेट पे रखी होती ना वीडियो, तो जब तक वो शेड्यूल ना करो तब तक मैं प्राइवेट ही रखता हूँ, सो प्राइवेट करके रख देती है, तो प्राइवेट करने के बाद फिर क्या होता है अपना शेड्यूल रीशेड्यूल कर देता हूँ उसको सीक्वेंसिंग में, दिन में 3 ब्लॉग आ रहे लगातार धमाकेदार एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, और अपने यारों दोस्तों को शेयर करो कुछ, देखो है तो वैसे फैमिली कंटेंट और फैमिली कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, बट बीच में कई बार ना अलग ही तरंग की उसमें लेवल पे चला जाता हूँ, वहाँ पे फिर वो चल पड़ती हैं बातें सारी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल और वो सारी चीज़ें, भाव तोल और वो कौन सी होती है, समझ गए ना। अभी देखो वाइट ये लग तो रही है सही, बट आगे जाके दिखाऊंगा मैं, जब बिल्कुल अंधेरा होगा ना तब दिखाऊंगा क्या ब्लैक ब्लैक मेरे को दिख रहा है। ये दुनिया पता है कैसी है, ये दुनिया ऐसी है लाइक आप बातें मारते रहो वही आपके साथ बातें करता रहेगा, ठीक है। और जो काम करता ना बंदा उसको लाइक उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको लाइक धोते रहो ऊपर लादते जाओ, बट कई बार ऐसे होता है ना कि वो जो धोने वाला ना वो खुद बंदा धो देता है, समझ गए ना, लाइक समझने वाले समझ आते हैं। और वैसे भी हम जब काम करते तो हम काम ही कर रहे होते हैं, हम लाइक बेले नहीं बैठते लाइन दे, अगर कोई बेला बैठे उसके ऊपर काम दे दो ना तो उसको फिर ये लगेगा चल यार ये कर ही लेता हूँ, ठीक है। बट जब ऑलरेडी आपके पास लॉट ऑफ वर्क हो सो उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं रहता कि हाँ भाई आप फ्री हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। सो ये है कि जब आपके पास फुल एंगेजमेंट है, फुल लोड है वर्क का, उसके बाद कोई और दे तो भैया नमस्कार, हम तो ना कर पाएंगे, हम तो सुपरमैन नहीं है, समझिए ना। बात कर रहा था वो एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का दिख रहा है कुछ, तो ये एक बार सेट करवाऊंगा और हाई बीम मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी क्या ना लाइक ये लो बीम तो चलो ठीक है, बट हाई बीम इसका मेरे को सही नहीं लग रहा इतना, ये देखो इतना, ये देखो
छोटा सा ही है, ये छोटा सा, बट हाई बीम उसका बड़ा सही था हेलोजन का, बट ये एलईडी यार इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा होना चाहिए। सो वही है, एक बार क्रॉस चेक करवाएंगे वहाँ पे, सेटिंग वेटिंग करवा लेंगे इसकी, और फिर तभी पता लग पाएगा कि क्या है इशू क्या इशू नहीं है। वैसे एलईडी का कुछ पता नहीं लगता, कई बार आप वो मतलब पीछे कंपनी से कोई डिफेक्टिव वगैरह आ जाता है, सो वो तो ठीक है, 2 ईयर्स की वारंटी है, सो इसको हम वो चेंज भी कर एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और कार लाइफ वाले भाई अपने सही थे, मतलब ये देखो अब दिखेगा आपको, ये हाई है और ये लो है, देखा बिल्कुल माइनर सा, लाइक 10-20 मीटर का फर्क है, कुछ फर्क मतलब इतना कोई खास नहीं है। और ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको सेंटर में, ये देखो ये सेंटर में यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा यहाँ पे, तो ब्लैक ब्लैक क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा, नहीं तो लाइट ये देखो दिखा ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो ब्लैक ब्लैक है, वो पता नहीं है क्या क्या निशान से आ रहे हैं, चलो चेक करवाएंगे। अभी एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने एलईडी डलवाई है, लाइक मेरे पास जो पीछे पिछली कार थी उसमें मैंने हेलोजन ही डलवाए थे, बट वाइट कलर के थे, हेलोजन वाइट ही होते हैं ना, मतलब वाइट कलर वाले बल्ब डलवाए थे, अब वो पता नहीं कहते क्या उसको। सो ये वाइट एलईडी फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डलवाई है, और बाकी एक बार सेटिंग वगैरह करवा के तभी पता लगेगा इसका आउटपुट पावर, तो मैं बिल्कुल एंड में दूंगा वीडियो के कैसे क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा। और मेरे को ये पता नहीं लाइक ये वीडियो रहेगा या नेक्स्ट पार्ट में आएगा इसके ब्लॉग के, सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को तभी तो आएगा मज़ा, चाहे सब्सक्राइब आपका सपोर्ट देखो मिल लेना चाहिए तभी तो आता है मज़ा, मज़ा हम दिलाएंगे आपको वीडियोस और व्लॉग्स और सारी डेली जितनी भी डेली। ये देखो ये भाई भी मैं है, ये भाई भी मैं, और साइड वाली की देखो, समझ गए ना फ़र्क तो है, फ़र्क तो है, बट वही ना लो हाई का थोड़ा लाइक एक बार सेटिंग वगैरह हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, लाइक कितना लो हाई ये लोहाई करता रहूंगा मैं क्या है। चलो वैसे मौसम नहीं बना ना सुबह तो बढ़िया सा, मतलब दिन नहीं निकला, जब आपका मौसम सुबह सुबह बढ़िया नहीं मतलब बनता नहीं ना। अब मौसम क्या है, मौसम देखने मतलब मौसम समझने के लिए आपको लाइक क्या करना पड़ेगा, आपको व्लॉग देखना पड़ेगा कौन सा हिमाचली वेडिंग वाले में, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे लाइक मौसम भी बना था, मोर भी आए थे ठीक है, गड़गड़ाहट भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी ठीक है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने मौसम नाम निकाला है। और मेरे बच्चे भी मौसम कह रहे थे, वो चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, पिछले वाले व्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए आपको, अगर आपको वो ज़्यादा वेडिंग वाला ज़्यादा पीछे मिलेगा तो ये इजी है ठीक है। सो मौसम अगर बने ना आपका दिन में मतलब सुबह सुबह तो सारा दिन आपका बढ़िया सा नहीं जाता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपकी जो लाइफ है वो चल रही है और आपको लगता है कि लाइक कोई ड्राइव कर रहा है उसको, एंड बट आप ड्राइवर सीट पर नहीं, आप साइड में बैठे हैं, बट यू आर इंजॉइंग टू द फुलेस्ट। मेरे साथ होता है यार कई बार, लाइक कई बार इट जस्ट गोज, लाइक अभी कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड्स पहले मेरे को ऐसा लगा था आई एम जस्ट बीइंग ड्राइविंग अप, आई एम मतलब मैं बस साइड में बैठा हूँ और कोई ड्राइव कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग, I really don't need any kind of music at that time. I just want to be me. Just me. And my phone and my memories. And of course you guys. Thank you for giving me such a support which you are giving. In fact, we are 193 now. Kuch time pehle hum the 182-184 ke aaspaas the. Nikal ke baat karte hain. Police hain. सो एक्चुअली क्या 182-184 के आसपास थे हम 3-4 दिन से, एंड संडे को लाइक रील्स वगैरह जो होती हैं, अरे हाँ संडे को ना लाइक संडे को मैं दबा के रील्स डाली हैं, इनफैक्ट उससे यार बड़े बहुत आए अपने, मतलब तकरीबन 12-14 के आसपास आ गए हैं मेरे लिए, तो देखो 12-14 मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या मेरी डिजिटल फैमिली के साथ जो जुड़ रहे हैं मेरे लिए तो बहुत है यार, 12-14 मायने रखता है जिसने अभी जस्ट शुरुआत करी है उसके लिए, बाकी मिलियन ट्रिलियन बिलियन हो जाएंगे फिर तो अलग चीज़ होएगी, फिर तो हम एक कड़ी है, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती जाती है ना, तो वो चीज़ है, बट अभी तो इनिशियलाइजेशन है ना, और अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 2.5-3 महीने के आसपास हो गए हैं, और 2.5-3 महीनों में हमारे साथ मतलब हमारी मेरे मेमरीज़ के साथ 193 लोग जुड़ चुके हैं, मतलब हमने शायद ज़ीरो से ही शायद शुरुआत करी थी, तो 0 से 193 करने में मतलब आप ये लगाओ आपके घोड़े खुल जाएंगे, मैंने घोड़े का हॉर्स ठीक है, सो वो मेहनत बहुत लगती है भाई हाँ, पर ये है अगर आप ये चीज़ लेके कर रहे हो, आज एक्चुअली बात भी हो रही थी ऑफिस में
कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, 1,000 हो गए, 4,000 हो गए घंटे। मैंने कहा मेरे भाई मैं वो लेके कर ही नहीं का, अगर वो लेके मेरे माइंड में आ गया ना तो फिर उसके बाद क्या होगा ना, फिर वो निराशा आ जाएगी कि हो नहीं रहे, और मेरे को चाहिए क्या यार, मेरे को चाहिए क्या, मैं तो अपनी मेमोरीज बना रहा हूँ ना यार। मेरे को एक 1,000 सब्सक्राइबर या 4,000 घंटे मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो अपनी बस मेमोरीज बना रहा हूँ। यहाँ पे गाय है ना, हाँ गाय की रोटी यार नहीं दे पाया हूँ, सो गाय की रोटी देते हैं यार, यहाँ पे गाय है, लो भी कर लो, गाय घबराए ना, ठीक है। उसके बाद हम गाय की, गाय कहाँ पे मेरे भाई, मेरे को गाय तो दिखी ना रही, हाँ दिख रही है, ये रही। सो LED वगैरह जला के रखते हैं हम गाय, ठीक है, और गाय की रोटी दे देते। ये मेरी गाय की रोटी है, गाय की रोटी देनी ज़रूरी है भैया, मिलती नहीं ना यार गाय, क्या करूँ, मिलती नहीं है। ओहो सांड भी आ गया भाई, सांड भी आ गया और गाय भी आ गई है, हैं गाय को दे दो, सांड पीछे ना पड़ जाए, पूरा सांड एकदम से भागो भागो। तो ये है अपनी, ओके चलो बच गए। सांड ना आ जाता पीछे फिर गड़बड़ होता। इसको हम बात कर रहे थे लाइक 1,000 व्यूज और 4,000 घंटे, मैं लाइक उसके लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट अपनी मेमोरीज बना रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एक भी बार मेरे माइंड में आ गए ना तो एक्चुअली क्या, मैं शायद बोल चुका हूँ बट मैं एक बार फ्लो में आ जाऊँ ना फिर मैं बताता हूँ। सो उसमें क्या होता ना, अगर मैं इसके आ गया तो फिर मेरा ना वही है ना, अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी से चीज़ से रख लेते हो ना, फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे अगर वो चीज़ अचीव ना हो पाए फिर वहाँ पे हो जाता है गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष आता है, फिर लड़ाई होती है। अब लड़ाई तो किससे करेंगे, ठीक है, मतलब वो चीज़ होगी, द्वेष होएगा, फिर शायद लड़ाई अपने आप खुद से करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो वो चीज़ मैंने भसड़ रखी नहीं ज़िंदगी में, तो मैंने भी वही उसको बोला, मेरे भाई मैं उस चीज़ के लिए कर ही नहीं रहा, उसको समझाया। अब वही है, एक तरह एक रील भी डाली मैंने आज, अब आज 9 तारीख है तो ये वीडियो शायद लेट आएगा, सो 9 तारीख वाला जो रील होगा उसमें आप देख लेना। उसके अंदर मैंने लाइक एक बंदा था, वो बंदे का लाइक मैंने शायद पहले भी बताया था, उसका आया कि आपके तो जितने व्यूज़ आ रहे हैं और आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, ये है वो है फलान टिमकान। तो मैंने उसको भैया बोला, मैं क्या मेरे भाई, मैं सिर्फ अपने ना मेमरीज़ स्टोर करने के लिए कर रहा हूँ वीडियोज़, मैं सब्सक्राइबर गेन करने के लिए नहीं कर रहा। उसके बाद मेरे फिर भाई का फिर वो मैसेज आया कि कीप इट अप, बहुत अच्छे लगे रहो। तो कहीं ना कहीं देखो, हाउ यू डील विद द पर्सन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप अच्छे से ढंग से बात करोगे तो अच्छी से आगे से रिवर्ट भी ढंग से आएगा। बट कई लोग अतरंगी होते हैं, वो अतरंगी लोग लाइक इस टाइप के होते हैं कि आप जितना मर्जी प्यार से बात करो वो अगले ऊट पटांग बोलते ही बोलेंगे। और इनफैक्ट आप, मैं तो इनफैक्ट भाई को भी बता रहा था कि लाइक ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब ऐसे बंदे आपको कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे, बहुत आएंगे, इनफैक्ट गालियाँ वालियाँ भी आती हैं, हाँ ये तो खुला है चलता। बट वही है ना, जहाँ पे लाइक यहाँ पे अगर आपके कोई, आप बढ़ने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो तो आपकी टांगे खींचने के लिए बहुत आते हैं, इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में तो बहुत आए हैं। सो मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या लिख रहा है कौन क्या, मैं तो जस्ट अपनी मेमरीज बना रहा हूँ ना, मेमोरी बनाता जाऊँगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। सो अभी क्या है ना, लाइक मुँह दिखाई करने के लिए थोड़ा बाल बाल सेट किया है, लाइक अभी तो मिले हैं ना, वो दिखाई तो होनी चाहिए, हैं सो मुँह दिखाई हो गई है अपनी। और मैं क्या बताऊँ, आज मौसम इतना गड़बड़ चल रहा है ना, 3-4 दिन से इतना गड़बड़ चल रहा है, हाथ ठंडे रहते हैं, ठीक है, और जूते लाइक 2 सॉक्स डालने के बाद भी फिर वो जूते ना वो नहीं होते। इनफैक्ट अब तो नया जूता लिया, तो इसमें शायद मेरे हो भी सकता है कि मेरे मतलब आ जाए ज़्यादा सॉक्स भी आ जाए, बट कितना डालूँ, ऊपर मैंने 7-8 डाले हुए हैं, ऊपर अपर बॉडी में 7-8 डाले हुए हैं। उसके बाद मूवमेंट वगैरह ये मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होती है, और उसके बाद फिर ये जो है ना ये लाइक ये फिर बंद नहीं होता, तो अभी डालना ऊपर तो ज़रूरी है। ऊपर तो देखो ठंड नहीं लगती, हाथ में लगती है, और पैर का जो निचले वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, टो कहते हैं ना, हाँ टो, टो में लगती है फिर। कितना बोला आज, आज तो ना फिर वही वाला मूड आ गया, कौन से वाला बोलने वाला, आज तो ये वाला अपना अपने रूट पे ना आके एक अलग वाइब आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये रूट इतना स्ट्रेट है, इतना स्ट्रेट है कि वहाँ पे बिना बातें किए लाइक आप रह नहीं सकते, और मैं तो बिना बातें बिल्कुल किए बिना रह ही नहीं सकता, अब नहीं रह सकता। आप 3 महीने पहले मेरे से मिलते तो मैं बिल्कुल अलग था वहाँ। कल मेरे भाई, वो जो भाई था ना, उस भाई से भी मैं बात कर रहा था जो मतलब मेरे को छोड़ के आया था, ड्राइवर वाला भाई ऑटो बोट सर्विसेज पे जहाँ से हम गाड़ी लेके आए। सो आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो वाला व्लॉग भी देखो। देखो मेरे सारे व्लॉग आपस में ना इंटरलिंक्ड हैं,
मेमोरीज कहूँगा या व्लॉग कहूँगा एक ही बात है, समझ जाना। सो सारे आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में इंटरलिंक्ड है। मेरी एक सीक्वेंस चल रही है लाइफ की, सो मैं बस अपनी सीक्वेंस ही डालता जा रहा हूँ। और चंडीगढ़ में एंटर होने वाले आप कर देते हैं व्लॉग बंद, देखेंगे मूड किया तो करेंगे, नहीं तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा देंगे। वैसे चार्जिंग पे रहने नहीं वाला, क्योंकि मेरे हाथ में लाइक मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन चले ना ये वंस इन अ ब्लू मून हो सकती है। फाइनली आ तो गई है सैलरी, बट सैलरी से ज्यादा हमारे ऊपर लाइक इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, तो कर्जा देखते हैं अभी कर्जा उतारेंगे भैया। सैलरी तो मेरे ख्याल से सारी उड़ ही जाएगी, सिर्फ दूध पानी के लिए रखेंगे, बाकी सारा इधर उधर जितना भी जहाँ से जो कुछ तेल पानी ले रखा है वो तेल पानी हम लौटाएंगे। लाइक कर्जा आपके सर के ऊपर रहे ना तो अच्छा अच्छा सा नहीं लगता, लाइक फ्री फ्री माइंड रहना चाहिए ना। जिस तरह गाड़ी ली थी विदाउट एनी वो EMI, कैश दिया लिया पर थोड़ा रुक के जब कैश हो गया तो वही है। लेके बैठनी टेंशन तो लेके बैठ जाओ, बट देखो अभी क्या है, लाइक पिछले महीने 5-6 दिन वैसे नहीं गए थे, और सैलरी भी लेट आया और सैलरी बना भी कम और कर्जा भी देना है, तो समझ गए ना। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डील, आपका माइंड आपका बॉडी आप कैसे उसको कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है, वो एक चीज़ ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे लाइक हमने बच्चों को भी थोड़ा घुमाया फिराया, मौज मस्ती किया, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो जाती है, पर ऐसा टेंशन लेके नहीं रखने, माइंड आपका खोपड़ा बिल्कुल कूल रहना चाहिए। अगर कूल नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ होगा तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ, समझ गए ना। अब मेरे माइंड में लाइक पता है क्या आता है, एक तो ये चीज़ है कि जब आ गया पैसा तो दे दो, जिसका भी जो भी देना है, तो उसके चक्कर में ये होता है कई बार आपके पास है ना वो डेबिट कार्ड होता है ना, तो डेबिट कार्ड में भी कुछ अमाउंट रहना चाहिए, बट कई बार है वो उसके चक्कर में ना वो सारा गड़बड़ हो जाता है, सारा गड़बड़। अब आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर आप वही या तो इधर से लोगे या उधर से लोगे या क्रेडिट कार्ड से मारोगे, क्रेडिट कार्ड भी देना तो पड़ेगा ना भैया, सिंपल है। सो वही है बेसिक वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी तो खैर हम PU पंजाब यूनिवर्सिटी वाले में आ चुके हैं राउंड अबाउट, यहाँ पे लंबी लाइट थी, 90 सेकंड की लाइट थी, तो मैं क्या चलो व्लॉग बना ले, वीडियो बना ले, मेमोरीज बना ले, कुछ भी कह लो, एक ही चीज़ है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान पकड़ना है तो कान पकड़ लो, ठीक है। और अभी देखो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या मेरी अभी भी लैंग्वेज उस टाइप की है महाराष्ट्रन लैंग्वेज, या मेरी अब हिंदी हो गई है? मेरे को लग रहा है शायद अब हिंदी हो गई है, पर तेज़ तो बोलना मैंने चालू कर दिया, मतलब धीरे बोलना चाहिए पर तेज़ बोलता हूँ, कई बार लोगों को समझ नहीं आता, अतरंगी हूँ। If you are really enjoying these kind of videos, अगर आपको ये पसंद आ रही है videos, like English हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, so you know what you have to do, you have to subscribe to Dad Chandigarh Gaye channel, जो Dad Chandigarh Gaye channel है उसको आप subscribe करो और share करो अपने friends and families के बीच में, एकदम से मस्त करेंगे जो भी करेंगे, दिन हो या रात हो, party करने का like इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हम किसी वीडियो के उसमें नहीं जाएंगे, हम खुद ही क्रिएट करेंगे अपना, खुद जो भी पैकेज वगैरह है वो सारा कुछ हम खुद ही करेंगे, एकदम मस्त करेंगे। डैड चंडीगढ़ गाय को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लो, लाइक भी करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए।